गुड मॉर्निंग प्लस टू क्लास बेटा, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। देखो इस वीडियो में एक्सरसाइज 7.3 स्टार्ट करने से पहले आप इसके कुछ रिजल्ट्स लिखवाता हूँ, कुछ फॉर्मूले जो इस एक्सरसाइज में यूज होने हैं। पहले आप उसे एक पेज पर लिख लें, उसको देख देख कर आप क्वेश्चनों में यूज करें, फॉर्मूले अपने आप लर्न होते चले जाएंगे। ठीक है, तो पहले कुछ फॉर्मूले हैं, मैंने पहले भी लिखवाए थे, तो पहले उसको अच्छे से लर्न कर लें। फर्स्ट फॉर्मूला इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स डी एक्स। साइन एक्स डी एक्स का इंटीग्रेशन आपको याद होगा, मैंने लिखवाया था माइनस कॉस एक्स प्लस सी। सेकेंड इंटीग्रेशन ऑफ कॉस एक्स डी एक्स, कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स प्लस सी। थर्ड रिजल्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड स्क्वायर एक्स, सेकेंड स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेंजेंट एक्स प्लस सी। नंबर फोर इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स, सेकेंड एक्स टेंजेंट एक्स दोनों है, सेकेंड वाले को कट कर दो तो यहाँ सेकेंड एक्स आ जाएगा और ये प्लस सी। नंबर फाइव इसके बाद आ रही है, यहाँ पे लिखे कॉसिकेंट स्क्वायर एक्स डी एक्स, कॉसिकेंट स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ठीक है, नंबर सिक्स इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स, कॉसिकेंट एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉसिकेंट एक्स प्लस सी। ओके बेटा, क्लियर है यहाँ तक? चलो अब इसके बाद नेक्स्ट, ये सिक्स फॉर्मूले तो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको मैंने लिखवाए थे। फॉर्मूला नंबर सेवन इज इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट एक्स, टेंजेंट एक्स का इंटीग्रेशन होता है लॉगरिथम सेकेंट एक्स प्लस सी, ये फॉर्मूला याद रखें। नंबर एट इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स, कॉट एक्स का इंटीग्रेशन लॉगरिथम साइन एक्स प्लस सी, वेयर सी इज सम कांस्टेंट। फॉर्मूला नंबर नाइन इंटीग्रेशन ऑफ कॉसिकेंट एक्स डी एक्स, कॉसिकेंट का इंटीग्रेशन लॉगरिथम कॉसिकेंट एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर टेन इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंट एक्स डी एक्स, सेकेंट एक्स का इंटीग्रेशन लॉग ऑफ सेकेंट एक्स प्लस टेंजेंट एक्स प्लस सी। ठीक है, ये रिजल्ट हमारे पास। ओके बेटा, क्लियर है? चलो बेटा आगे एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले कुछ क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से कराता हूँ, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो ये पहले तो आपको ये सारे फॉर्मूले आपको टिप्स पर याद होने चाहिए। ठीक है, 10 के 10 फॉर्मूले याद रखें, ट्रिग्नोमेट्री के अंदर सिर्फ यही 10 फॉर्मूले हैं जो आपको टिप्स पर याद करने हैं, तो बाकी जो क्वेश्चन करोगे आप इनको देख देख के आप सॉल्व करोगे। ठीक है, इसके अलावा डायरेक्ट कोई भी नहीं होगा, डायरेक्ट सिर्फ ये वाले होंगे। ओके बेटा, क्लियर है? चल एक फॉर्मूला लिखवाता हूँ। देखो फर्स्ट वन साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला, साइन स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला होता है देखो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइड बाई 2। सेकेंड कॉस स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ठीक है, साइन स्क्वेयर का फॉर्मूला 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और कॉस स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला 1 प्लस कॉस 2x बाई 2। ओके बेटा, याद रखें जो यहाँ पर x है इसका डबल यहाँ पर। चलो अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करता हूँ, पहले मैं अपनी तरफ से कराता हूँ फिर एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ध्यान से देखना। फर्स्ट क्वेश्चन इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। ठीक है, मेरे को साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाना है, ध्यान से देखना बड़ा सभी। सॉल्यूशन इंटीग्रेशन, अभी मैंने साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला लिखवाया 1 माइनस कॉस 2x बाई 2, तो साइन स्क्वायर एक्स को ऐसे लिख सकते हैं देखो 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 और ये क्लियर है बेटा। अब इस 2 को इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, ये तो कांस्टेंट है, तो 1 माइनस कॉस 2x और ये डी एक्स होगा। ओके बेटा, नेक्स्ट 1 बाई 2, 1 का इंटीग्रेशन जिसके साथ एक्स नहीं है उसके साथ एक्स लगा दें। ठीक है, कॉस 2x का इंटीग्रेशन साइन 2x हो जाएगा,
और जो x के साथ लिखा है वो डिवाइड में लिखते हैं, प्लस से दिस इज योर आंसर। पहले ये x लिख दें, cos का इंटीग्रेशन sin x होता है, और x के साथ जो लिखा है वो डिवाइड में कर दो, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, x by 2 minus sin 2x divided by 2 to the 4 plus c, this is your answer। क्लियर है बेटा? चलो एक और क्वेश्चन करता हूं ऐसा ही, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, I is equal integration cos square x। अगर मेरे को cos square x का इंटीग्रेशन करना है तो हम क्या करेंगे बोलो? cos square x का फॉर्मूला, cos square x का फॉर्मूला भी लिखवाया, 1 plus cos 2x divided by 2। इस cos square का ऐसे लिख सकते हैं, देखो 1 plus cos 2x divided by 2, याद रखें जो यहाँ पर x है उसका डबल यहाँ पर हो जाएगा। ओके, अब ये देखो ये वाला 2 इंटीग्रेशन से बाहर हो गया, तो 1 plus cos 2x और यहाँ पर ये dx हो गया, तो यहाँ से हाफ, 1 का इंटीग्रेशन जिसके साथ x नहीं है x लगा दो, cos का इंटीग्रेशन कितना बन जाता है sin 2x, और जो x का जो कॉफिशियंट है वो डिवाइड में, और यहाँ पर ये प्लस सी, इस 2 से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो x by 2, 2 से इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो sin 2x डिवाइड में कितना आ गया 4 plus c, दिस इज योर आंसर। ओके बेटा, क्लियर है? बिल्कुल सिंपल। तो मैंने sin square x का इंटीग्रेशन करवाया, cos square x का कराया, चलो tangent square x का इंटीग्रेशन कराता हूं। देखो थर्ड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन करता हूं। देखो इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स डीएक्स, देखो टेंजेंट स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन करके दिखाना है, ये तो आपको आता ही होगा सभी को, आता है सभी को बेटा? देखो बोलो टेन स्क्वायर का फर्स्ट, दोनों एक्सरसाइज में इसका यूज किया, आपको याद होगा फॉर्मूला, सेकेंड स्क्वायर एक्स माइनस टेंजेंट स्क्वायर एक्स किसके इक्वल होता है 1 के, तो ये टेन स्क्वायर माइनस इधर आएगा तो प्लस, 1 इधर आएगा तो माइनस में, तो ये बन जाए secant square x minus 1 is equal tangent square x, तो tan square x को हम क्या लिख सकते हैं, secant square minus 1 लिख सकते हैं ना, secant square x minus 1 और ये dx, clear? अब इस secant square x का integration करें, secant square का integration कितना होता है tan x, तो secant square x की जगह tan x बन गया, और 1 जिसके साथ x नहीं उसके साथ x लगा दो plus c, this is your answer। ओके बेटा, क्लियर? ऐसा ही सेम क्वेश्चन कॉट स्क्वायर के लिए है, देखो सेम क्वेश्चन कॉट स्क्वायर के लिए, देखो कॉट स्क्वायर एक्स डीएक्स, ठीक है? अब इसके लिए फॉर्मूला सेम जैसे हमने ऊपर वाला किया ऐसे यहां पर कर लो, देखो तो ये आता फॉर्मूला कॉसिकेन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1, कॉट स्क्वायर इधर आ गया 1 इधर आ गया, क्या बन गया cosecant square x minus 1 is equal to cot square x, ठीक है ना? तो मैं इस cot square को ऐसे लिख सकता हूं, देखो cosecant square x minus 1 dx, क्लियर? तो cosecant square x का इंटीग्रेशन ये रहा minus cot x, और प्लस 1 का इंटीग्रेशन जिसके साथ x ने x लगा दो प्लस 6, दिस इज योर आंसर। अभी मैंने किसका इंटीग्रेशन करवाया, पहले मैंने साइन स्क्वायर का बताया, फिर कॉस स्क्वायर का बताया, फिर टेन स्क्वायर का, चौथे नंबर पे कॉट स्क्वायर, पांचवा नंबर सीकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर का ये रहा, और छठा कौन सा था कोसिकेंट स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर का कितना बन गया माइनस कॉट है, तो जिसके ऊपर भी साइन स्क्वायर, कॉस स्क्वायर, टेन स्क्वायर, कोसिकेंट स्क्वायर, सीकेंट स्क्वायर, कॉट स्क्वायर, आप सभी का ही इंटीग्रेशन इसके अंदर फाइंड कर सकते हो। ओके बेटा, स्क्वायर वाले सारे, ठीक है? चलो स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 7.3, फर्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, ठीक है? बुक खोलो, बुक में देखो फर्स्ट क्वेश्चन एक्सरसाइज 7.3, आई इज इक्वल इंटीग्रेशन साइन स्क्वायर 2x प्लस 5 डी एक्स, कह रहे इसका इंटीग्रेशन करके दिखा दो। देखो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन जैसे अभी मैंने करवाया, देखो सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ये फॉर्मूला खोलो, साइन स्क्वायर एक्स का क्या फॉर्मूला बताया, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2, यानी कि जो यहाँ पर x लिखा है इसका डबल यहाँ कर दो, तो ऐसे यहाँ पे ये साइन स्क्वायर एक तरह से x है, देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस इस ब्रैकेट का डबल 2 2x प्लस 5, और डिवाइड में कितना लिख दें 2, और यहाँ पर ये dx हो गया।
ओके बेटा, इस टू कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन से बाहर लिख दो, तो वन माइनस यहाँ पर ये कॉस, इस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो फोर एक्स हो गया, टू फाइव जो टेन, और यहाँ पे डी एक्स, इंटीग्रेशन कर दो, वन का इंटीग्रेशन वन एक्स, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, फोर एक्स प्लस टेन, ठीक है ना, कॉस का इंटीग्रेशन साइन, और जो एक्स का जो कॉफिशियंट है ये डिवाइड में आ जाएगा, और यहाँ पे प्लस सी, वेयर सी इज सम कांस्टेंट, इस टू से अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो यहाँ पर एक्स बाई टू हो गया, यहाँ से साइन, फोर एक्स प्लस टेन डिवाइड में टू फोर जो एट प्लस सी, दिस इज योर आंसर। चलो और देखते हैं जो पावर वाले क्वेश्चन है वो देखो, जहाँ पावर टू बनती हो। चलो एक क्वेश्चन करते हैं इसमें से, क्वेश्चन नंबर टेंथ करते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर टेंथ निकालो, आई इज इक्वल इंटीग्रेशन साइन पावर फोर एक्स डी एक्स, पहले मैंने स्क्वायर का करवाया, अब देखो यहां पर पावर फोर वाला क्वेश्चन आ गया। देखो ठीक है, देखो तो इस फोर को आप ऐसे लिख सकते हो, पावर को तोड़ दो, साइन स्क्वायर एक्स पावर टू और डी एक्स लिख सकते हैं, टू और टू फोर, साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला यूज करो, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, वन माइनस कॉस टू एक्स बाई टू, ऊपर वो स्क्वायर है तो यहाँ इसके ऊपर स्क्वायर आ गया, यहाँ पर ये डी एक्स बन गया, क्लियर, तो ये वाला स्क्वायर ऊपर वाली ब्रैकेट पर भी होगा नीचे भी, तो नीचे टू का स्क्वायर फोर बन के बाहर आ गया, और वन माइनस कॉस टू एक्स ऊपर ये स्क्वायर आ गया, ठीक है, वन बाई फोर, इसका यहाँ पे होल स्क्वायर खोल दो, ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और यहाँ पर ये डी एक्स, ओके, वन बाय फोर, वन का स्क्वायर वन हो गया, कॉस स्क्वायर का फिर से फॉर्मूला यूज करो, कॉस स्क्वायर का फॉर्मूला क्या लिखोगे, वन प्लस कॉस, इस एक्स का डबल यहाँ लिख दोगे, देखो यहाँ पे वन प्लस कॉस इस टू एक्स का डबल हो जाएगा फोर एक्स, और डिवाइड में यहाँ टू आ जाएगा माइनस टू कॉस टू एक्स, और ये डी एक्स हो गया। अब क्या करें, ये वाला टू इसके नीचे भी लिख दो, इसके नीचे भी अलग अलग कर दो, तो यहाँ से हो जाएगा वन बाई फोर इंटीग्रेशन वन प्लस वन बाई टू प्लस कॉस फोर एक्स डिवाइड बाई टू माइनस टू कॉस टू एक्स, और यहाँ पे ये डी एक्स हो गया। ओके बेटा, यहाँ से वन बाई फोर, इधर देखो एलसीएम आ रहा है कितना टू, तो टू कौन से मल्टीप्लाई टू, टू और वन थ्री हो जाएगा, प्लस कॉस फोर एक्स डिवाइड बाई टू माइनस टू कॉस टू एक्स, और यहाँ पर ये डी एक्स हो, सिंपल इंटीग्रेशन कर दो, जिसके साथ एक्स नहीं है उसके साथ एक्स लगा दो, कॉस का इंटीग्रेशन साइन बन गया, और जो एक्स के साथ है वो डिवाइड, एक्स के साथ फोर है, एक टू पहले था तो फोर टू जो एट हो गया, यहाँ से टू, कॉस का इंटीग्रेशन साइन टू एक्स, और एक्स का कोफिशिएंट डिवाइड में यहाँ प्लस सी, इस टू से ये टू कैंसिल, बाकी हमारा आंसर, चाहो तो इस फोर के अंदर सबके साथ मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ओके बेटा क्लियर, नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11, जैसा हमने पिछला क्वेश्चन किया बिल्कुल सेम ऐसे ही करना है। देखो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, देखो कॉस टू एक्स स्क्वेयर पूरे के ऊपर स्क्वेयर, यहाँ पर कॉस स्क्वेयर एक्स का फॉर्मूला लग जाएगा ये वाला, ठीक है, तो आप इसको कर लेना, ट्राई योर सेल्फ, ये क्वेश्चन आप अपने आप कर सकते हो। ओके बेटा, तो इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हमारी नेक्स्ट वीडियो देखना बेटा। ओके, थैंक यू।